उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी अपने विचार प्रकट करें। बोले राणा पुंजा जी की जय, महाराणा प्रताप की जय, मेवाड़ की जय जय, राणा की जय जय। हाँ, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ द्वारा जो वचन दिया था कि 3 दिन में मूर्ति लग जाएगी, नहीं तो लग गई। इससे समस्त भील समाज में और सभी समाज में बहुत ही हर्ष की लहर दौड़ रही है। और भील समाज ने आदरणीय विधायक साहब से उस दिन एक निवेदन किया था कि महाराणा प्रताप की मूर्ति भी उस दिन खंडित थी, तो भील समाज ने निवेदन किया कि महाराणा प्रताप की भी नई मूर्ति लगाई जाए, तो वो भी हो गया। इसके लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय विधायक साहब का और समस्त भील समाज और अन्य समाज, हमेशा ऐसे ही सौहार्द और भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में भील समाज के प्रदेश मीडिया प्रभारी आदरणीय प्रकाश जी, भील से निवेदन करूंगा पधारे और अपने 2 शब्द आप ही प्रदान करें। बोले महाराणा प्रताप की जय, राणा पुंजा की जय। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे कुमलगढ़ जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, यहाँ पे आज राणा पुंजा की और महाराणा प्रताप की मूर्ति भी का अनावरण, दोनों का एक ही साथ अनावरण हो रहा है। आप सभी इस अनावरण कार्यक्रम में पधारे। मैं राणा पुंजा आदिवासी युवा जागृति संस्थान मेवाड़ हल्दीघाटी की ओर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूरे प्रदेश भर में अच्छा मैसेज गया कि आज बहुत ही जल्दी 3रे दिन हमारे स्थानीय लोक लाडले विधायक महोदय सुरेंद्र सिंह जी ने जैसे जिस दिन मूर्ति खंडित हुई थी उस दिन 2रे दिन वादा किया था, उस वादे के अनुसार आज मूर्ति महाराणा प्रताप की और हमारे समाज के निवेदन करने पर महाराणा प्रताप और राणा पुंजा की दोनों की मूर्ति आज एक ही साथ लगी। और इस अनावरण कार्यक्रम में आप सब पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे मेवाड़ के रक्षक और महाराणा प्रताप के मेन सहयोगी जो भीलों की जो हमारी सेना के सेनापति राणा पुंजा भील, जिन्होंने मेवाड़ की आन बान शान के लिए अपने पूरे परिवार को खो दिया था, उनकी आज इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आने वाली जो मार्च 2022 में हमने इनकी वीर गाथा पर एक फिल्म बनाई थी जो 3 साल से शूटिंग चल रही थी हमारे कुंभलगढ़ हल्दीघाटी पूरे राजस्थान के हर जिले में उसकी शूटिंग हुई है। बाहुबली राणा पुंजा भील करके जिसमें महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी का युद्ध का दृश्य है, वो भी मार्च में रिलीज होने जा रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे मेवाड़ की वीर गाथा शौर्य गाथा को बताने वाली इस बाहुबली फिल्म जो प्रथम आदिवासी फिल्म है, इसको भी आप जरूर देखें और आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे। मैं हमारे पुनः राणा पुंजा आदिवासी युवा जागृत संस्थान मेवाड़ हल्दीघाटी की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे बीच में मोर्चा के सरपंच साहब श्रीमान फोकरलाल जी भील, जहाँ मेरी आवाज सुन रही है वो भी इधर आ गया है। फोकरलाल जी भील आगे पधारे, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब हमारे बीच में फूलचंद जी खराड़ी वो पधारे और अपने इस माता पिता तुल्य है, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। और इसी तरह आदरणीय विधायक साहब और परम आदरणीय समस्त गोम हमारे राजसमंद कुमलगढ़ एवं राजस्थान से जितने भी भाई लोग पधारे हुए एवं हमारे जो भी राणा पुंजा महाराणा प्रताप की मूर्ति आज लगी, बड़ी हर्ष का विषय है। और आगे भी इसी तरह भाईचारा बनता रहे इस कुमलगढ़ की पावन धरा पर, इसी आशा के साथ में जय हिंद जय भारत।